जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, महाराष्ट्र के विधायक जिंदाबाद। समर्थन मिल रहा है विधायक जी को, हाँ क्या लग रहा है फिर जाती? अरे पिछले बार जिला में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, अब की परी कमिश्नरी में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। जीत निश्चित है, भ्रम भ्रांति कुछ नहीं है। चुनाव काउंटिंग इन लोग का भ्रम उस दिन खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाना, ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जयकारा लोग लगाते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में वो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, इसलिए आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भले ही हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, जनता ये तो केवल भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है, इस पर कोई जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। हमारा पंचायत से लेकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व तक यह साफ कर चुका है कि लोजपा के साथ मेरा कोई गठबंधन नहीं है दूर दूर तक, और ये लोग भ्रम फैला रहे हैं और जनता भी इन लोगों के बात को समझ चुकी है, इसलिए जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो NDA के साथ रहेगा। अगर कोई उधर जाता है तो वो स्वार्थ की लोलुपता में जाता है, वैसे स्वार्थी लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। जो सुरपत का ताज हिलाता है वो यही कपि है, वही पुरुष जो हेमनारायण शाह कहलाता है। कुछ विरोधी विरोधियों के लिए है जो मतलब उनको समझदारी दिया जा रहा है अभी तत्काल के लिए, एगो नहीं होता देहात में कहा जाता है बेमन का भैया अखनपट्टी पर से नूर, वही है। तो गंगा की कसम जमुना की कसम यह ताना बाना बदलेगा, अराबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा। कुछ तू भी बदल कुछ हम बदले, सारा अफसाना बदलेगा। अगर जोश में तेरे होश रहा तो जालिम का जमाना बदलेगा। उनके लिए है ये, चिराग पासवान के लिए है। जी जी, एकदम जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। विधायक जी एकदम जीतेंगे, इनका रिन्यूअल होगा, एकदम जीत हासिल करेंगे। जहाँ तक कि जीत की बात है, फुल बहुमत से हेमनारायण शाह जी को हम लोग जिताने का प्रयास चालू कर दिए हैं।